जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। पाप कट दुख मिटे ले त राम नाम, पाप कट दुख मिटे ले त राम नाम। भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। ये भजन मैंने इसलिए गाया कि मेरे पास एक प्रश्न आया है कि कभी कभी हम भजन सुनते सुनते हमारी आंखों से अश्रुधार बहने लगती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे पानी की नदी बह रही हो। तो ऐसा क्यों होता है, हम क्यों रोने लग जाते हैं, और कई बार तो ऐसे फूट फूट करके रोते हैं जैसे हमें किसी ने मारा हो या हमारे दिल को ठेस पहुंची हो, परंतु वास्तव में हम परमानंद की अवस्था में रहते हैं। क्यों रो रहे हैं हम नहीं मालूम। ऐसा कई के साथ होता है, कई मनुष्यों के साथ होता है, स्त्री के साथ भी होता है, पुरुषों के साथ भी होता है, लड़की के साथ भी होता है और लड़के के साथ भी होता है। बहुत से मनुष्यों का प्रश्न है ये। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। तो ऐसे भजन जो अपने हृदय को छू जाते हैं, हमारे अंतःकरण में उतर जाते हैं, जिसके अंदर हम डूब जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम वो ही स्थिति में गुजर रहे हैं जो भजन हम सुन रहे हैं, तो हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तब हमारी आंखों से बरबस बेवजह आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, क्योंकि भजन एक ऐसी चीज है जिसमें हम उस परमात्मा में एकाकार हो सकते हैं, परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। बहुत से भजन ऐसे हैं जो कर्णप्रिय होते हैं, दिल को छूने वाले होते हैं, और हम उसे बार बार सुनने का प्रयास करते हैं, और बार बार जब सुनते हैं तो हम उसमें डूबते चले जाते हैं, हम अपने आप को उसका एक पार्ट मान लेते हैं, और जब हम उसमें समाहित हो जाते हैं तो ये मान करके चलें कि बस परमात्मा का मिलन हो जाता है, और जब परमात्मा का मिलन हो जाता है तो फिर हमारी अश्रु धारा निकलने लगती है। बहुत सी जगह मैंने देखा है, भजन कंसर्ट होती है, भजन संध्या होती है, गाने वाले भजन गाते हैं, नाचने वाले नाचते हैं, और आनंद लेने वाले आनंद लेते हैं। तो जब वो आनंद लेते लेते परमानंद में पहुंच जाते हैं, तो जब परमानंद में पहुंचने पर उस परम पिता परमात्मा से मुलाकात हो जाती है तो आंखों से अश्रु धारा निकलने लगती है। ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है, और ऐसा होना चाहिए। तो जिस किसी का भी भजन सुनने पर रोंगटे खड़े होने लग जाए, जिस किसी को भी भजन सुनने पर अश्रु धारा निकलने लग जाए, जिस किसी को भी भजन सुनने पर अपनी इस दुनियादारी को भूल जाता हो, अपने कष्ट को भूल जाता हो, अपनी परेशानी को भूल जाता हो, तो मान करके चले उसका उस शक्ति से मुलाकात हो गई है। उसे हमेशा डूबते रहना चाहिए, क्योंकि परमानंद
जिसका कोई समय सीमा नहीं, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, उसे परमानंद कहते हैं। अनंत है वो। तो अब शायद मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि भजन सुनते सुनते आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, रोने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमानंद की प्राप्ति आपको हो चुकी है। ऐ गिरिनंदिनी नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शेन सुते। तो ये ऐसे भजनों में डूबना पड़ता है। जितनी देर हम भजन गा रहे हैं या सुन रहे हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मेरा नाम कौन, मेरे माता पिता कौन, मैं किस जगह हूँ, किस घर के अंदर बैठा हूँ, और पता ही नहीं चलता कब एक दो घंटे गुजर गए। तो समझ जाना परमानंद की प्राप्ति हो गई है।